कर ही ले रहे हैं। हाँ कर दीजिए। ये देखो, ये सॉलिड स्फीयर वाला ग्राफ है, ये है तुम्हारा साहिल। तुम देखे हो पुराना लेक्चर या नहीं देखे? इसका ऑडियो साइज खराब है। साहिल तुमसे जब भी पूछें तुम वीडियो ऑन करके सिर हिला दिया करना, समझ में आ जाएगा हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। हाँ देखे नहीं देखे? हाँ या ना? अरे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा। नहीं हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल आ रहा होगा, मेरे अलावा कोई भी नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। खैर चलो, नहीं देखा साहिल तो देख लेना, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। आज में थोड़ा सा दिक्कत होना चाहिए, 5 मिनट होगा फिर शायद संभाल जाए। खैर देखो, जब तक आप सरफेस के अंदर देखे थे, जब तक आप सरफेस के अंदर देखे थे तब तक ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, घट रहा था क्योंकि पैराबोला है। अब तुम जरा फॉर्मूला देखो, इनसाइड द सरफेस का फॉर्मूला तुम लोग को दिया है ना? सेम इनसाइड तो सरफेस है, का होलो का फॉर्मूला क्या भी है? इनसाइड का फॉर्मूला दिए है ना? बड़ी खतरनाक देखो ना सीधा, बस तुम ये देखो, वी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर का स्क्वायर। देख रहे हो आर क्या है? डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। मतलब ये स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक, और माइनस है मतलब पैराबोला नीचे होगा। देखो ना पैराबोला नीचे नहीं है, अभी बोलो। और उसके बाद फिर हाइपरबोला ग्राफ हाँ बीज इन्वर्सली टू आर, अभी क्या दिक्कत है बताओ? पहले ऊपर ले गया फिर नीचे ले गया। समझ गए ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लिख लिए सब लोग कुछ फॉर्मूला? हाँ लिखा। अच्छा हाँ ये तो लिखा ही हुआ। नेक्स्ट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी सीधा फॉर्मूला ही हम तो बोलेंगे कि याद रखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा फॉर्मूला याद रखो। इसका फॉर्मूला होता है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ये सब क्या होता है ये सब तुम लोगों को हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ क्यू स्क्वायर में है ना, देखो ना यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है। अगर क्यू स्क्वायर है तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है। अच्छा तुम लोगों को हम डाइपोल बताए थे, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट या वर्टिकल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। नहीं डाइपोल पे पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का बात नहीं कर रहे। रिंग नहीं रिंग बताए बताए हैं, डिस्क बताए डाइपोल नहीं बताए। हैं। ठीक अभी बताओ, चलो अगला हेडिंग डालो। ये लिख लिए ना सब लोग? दीजिए लिखो जल्दी लिखो, या स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्योंकि ज्यादा देर पढ़ाएंगे नहीं, 40 मिनट 45 मिनट क्लास ही ले रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ले स्क्रीनशॉट ही ले लिए, लो, हटा रहे हैं। ठीक है, लिख लेंगे जल्दी जल्दी, लिख लिया, आगे बढ़ाइए आप। नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं ना क्योंकि छोटा क्लास हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, जितना देर भी पढ़ रहे हैं दिमाग एकदम अटेंटिव रह रहा है, और तेजी में पढ़ेंगे तो छोटा टाइम में लेंगे अधिक पढ़ लेंगे। साथ में, लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सेकंड रुक जाना जरा, 10 बजे से बैठे बैठे ना मेरा पूरा पैर तेहा हो गया था, पैर सीधा कर रहे थे। चलो देखो एक डाइपोल बनाते हैं, अभी एक्सियल लाइन पे ले रहे हैं, एक्सियल लाइन पे डाइपोल बना ले रहे हैं। अच्छा फैजान आकाश वाला लेक्चर देख रहे हो या नहीं? और तुम जोया रमजान में जमा मत करो, आधा आधा घंटा का तो लेक्चर ही, आधा घंटा तो टाइम निकाल ही सकते हैं। नहीं हो रहा है, टाइम नहीं निकल रहा है, दिन भर में और भी बहुत बिजी हो जाएंगे। वेव देख रहे हैं, तुम वेव देख रहे हो, वाह तुम्हारा तो टैलेंट का क्या कहना, तुम्हारा टैलेंट मानना पड़ेगा। वेव तो 11 का था ना, ये 11 थी ना, चल रहा है पीछे नहीं। आप नहीं पढ़ाइएगा जो आप भेजे हैं? पढ़ाया हुआ ही तो है, कुछ नया थोड़ा ना। नहीं जो 12 का जो लेक्चर भेजे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे, तो पढ़ा ही चुके ना, मतलब कितना ही है, एक चैप्टर खत्म कर लिया। रे ऑप्टिक्स वो भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन वहां देखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, हम इस बार बोर्ड पे ज्यादा फोकस्ड हैं, बार बार कर रहे हैं, देखना जरूरी है। ठीक है हम रमजान बाद सारा कर लेंगे, अभी नहीं हो पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आप नीट पे फोकस दीजिए ना, सब नीट वाला। हाँ वही ना, सब नीट वाला है तो फिर बोर्ड्स में उतना अच्छा मार्क्स नहीं लाना है। सबको सब लोग कंफर्म है इस बात के लिए, एक बार बोलो सब लोग। हाँ 80% साहिल, साहिल का तो आवाज आ नहीं रहा है। साहिल तुम्हारा ज्यादा फोकस किस पे, नीट पे या बोर्ड पे? नीट पे मेरा। तुम्हारा ना साहिल, साहिल टाइप करके बोल दो, सब ना हाँ बोलेगा। साहिल टाइप करके बोल देगा, टाइप करके बोल देगा। दोनों पे है उसका, क्या बात है, देखो दोनों वाला बच्चा भी है ना, तब YouTube मतलब उससे वीडियो से देखो फिर नहीं, क्लास में हम क्वेश्चन तो कर बड़ों से भी कैंसिल होगा, टेंशन नहीं ना लेना। इस बार का हुआ ही नहीं एग्जाम, मतलब होगा नहीं हो रहा, होगा होगा बिल्कुल होगा। पोटेंशियल इसके वजह से माइनस के क्यू बाई, ये डिस्टेंस मान लो कि सेंटर से एक्स के दूरी पे है, सब जितना भी देखो बोर्ड्स में और नीट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम डेरिवेशन उस वीडियो से देख लोगे जो आकाश वाला भेज रहे हैं तो हम क्लास में नीट पे चल सकते हैं, बाकी सब कुछ कॉमन है, डिफरेंस सिर्फ डेरिवेशन और क्वेश्चन पे सोचने का तरीका से है। नीट में आपको सीधा आंसर सोचना है और बोर्ड्स में आपको पूरा प्रोसेस के साथ आंसर सोचना है, इतना ही डिफरेंस है बस बोर्ड्स और नीट में, और कुछ नहीं, बस इतना सा करने में बहुत हो जाता है, समझ रहे हो, बिल्कुल सोच ही बदलना पड़ता है, क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर निकालने का सोच और क्वेश्चन देखते ही प्रोसेस सोचना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बोल देना बहुत सिंपल है कि बस इतना सा डिफरेंस है, बट एक्चुअली में उतना सा डिफरेंस नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। ये समझ में आया सबको, पोटेंशियल एट ए कैसे लिखे हैं इस डाइपोल की वजह से, देखो ना यहां से यहां का दूरी के क्यू, इसके वजह से के क्यू तो माइनस में आ गया, के माइनस में क्यू बाई आर, आर कितना है एक्स प्लस एल नहीं है, और इसके लिए आर कितना है एक्स माइनस एल। अच्छा ना? अब इसको जरा सॉल्व तुम लोग करो, सॉल्व करना कौन सा बड़ा बात है तुम लोगों के लिए, करो बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी सॉल्व करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे सॉल्व हो जाएगा, इतना क्या सोचना,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में ए स्क्वायर, हाँ ठीक है आगे ऊपर में वही रहेगा, ऊपर में वही रहेगा, नहीं कैंसिल आउट ऐसे नहीं होगा, देखो ऐसे ये प्लस माइनस है बट फिर भी जीरो नहीं होगा, देखो सॉल्व होगा तो बनेगा 2KQL नीचे में x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा, और देखो इससे डिवाइड करोगे इसको तो बचेगा x माइनस l, x माइनस l यहां इनटू होगा, तो इतना सिंपल नहीं आएगा बट सॉल्व करने पे ऐसा आएगा, ठीक है, और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कर दें क्या सॉल्व? बता रहे देखो जब ये करोगे इससे डिवाइड करोगे इसमें तो आएगा माइनस ए क्यू इंटू एक्स माइनस एल प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा ये ए क्यू डिवाइड एक्स प्लस एल, कैसे लेते हो एलसीएम? डिवाइड बोल रहा बुद्धों की तरह, इसका एलसीएम क्या लोगे? इसका चार होता है, इसको डिवाइड करोगे दो आएगा, दो को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बुद्धू की तरह पूछ रहे हो, अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे एल नहीं आ जाएगा, एल दोनों जगह पे आया है समझे, ऐसे आया है एल ऑटोमेटिकली ही नहीं आया, अभी हटाएं इसको, इसको सॉल्व तो तुम लोग कर ही सकते हो ना, रहने दे तो ठीक है, तुम लोग सॉल्व कर लेना, हम अगला स्टेप सीधा सीधा आंसर ही लिखें, अब इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं के इंटू u into 2l by x square minus l square, और ऐसा लिखेंगे तो q into 2l क्या बन जाएगा p, p तो बोल सकते हैं kp by x square minus l square, p कहाँ से आ गया, p कहाँ से आ गया, p अरे p q into 2l को कन्वर्ट किया डाइपोल में, फॉर्मूला था क्या कोई डाइपोल का, फॉर्मूला बताओ जरा डाइपोल मोमेंट का, फॉर्मूले याद नहीं हो रहा है, बताओ जरा क्यू इंटू ट्वेल्व होता है, इतना फॉर्मूला याद ही नहीं होता, क्यू इंटू ट्वेल्व से डाइपोल होता है उससे इसमें कन्वर्ट होंगे, अभी अगर हम बात करें फोर शॉर्ट डाइपोल, फोर शॉर्ट डाइपोल तो देखो ना शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या, एक्स एल से बहुत छोटा होगा, ये जो ये है सॉरी एल एक्स से बहुत छोटा होगा, शॉर्ट डाइपोल मतलब ये छोटा ना, तो एक्स बड़ा होगा एल से, तो अगर एक्स बहुत छोटा होगा तो यहाँ एक्स तो गायब हो जाएगा, एक्स छोटा होगा सॉरी एल छोटा होगा तो एल तो गायब हो जाएगा ना, तो क्या आएगा के पी बाई एक्स स्क्वायर, चलिए लिखिए जल्दी, और कोई कंडीशन नहीं बनेगा क्या फॉर लॉन्ग डाइपोल, नहीं लॉन्ग डाइपोल नहीं पढ़ना हम लोग को, सिर्फ शॉर्ट डाइपोल पढ़ना, सिर्फ शॉर्ट डाइपोल हटाएं इसको, अच्छा अभी हम लोग वी निकाले हैं, वी क्या पोटेंशियल, अभी हमको निकालना है चलो वी से ही काम हो गया, ये किसके निकाले वी तो निकालना था ना, पोटेंशियल ही निकालना था, और हम ये एक्सियल लाइन पे निकाले हैं, अब हम लोग वी निकालेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ वर्टिकल लाइन पे, अब हम लोग वी निकालेंगे वर्टिकल लाइन पे, चलो उसके लिए भी देख लेते हैं, पूरा ही साफ करो इतना मेहनत कौन करे, हाँ लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
ये देखो एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू, इसका आंसर फैजान बताएगा सीधा। चलिए फैजान जरा बताइए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा? इक्वेटोरियल लाइन तो यही है, वही आएगा। यहाँ पे V का वैल्यू जीरो होगा। कैसे? देखो ये डिस्टेंस, देखो R, ये डिस्टेंस R। चलो इसके वैसे पोटेंशियल लिखो K माइनस क्यू बाई R, और इसके वैसे पोटेंशियल लिखो K प्लस क्यू बाई R, और दोनों का सम नेट पोटेंशियल कितना होगा? ये माइनस मल्टीप्लाई में ऐसे कर लेते हैं, नेट पोटेंशियल जीरो होगा। ये कैसे पता? क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ डायरेक्शन नहीं देखना होता, तो सीधा ही आंसर बता सकते हैं कि जीरो आएगा। हो गया। आर अपने समान दिया, ये डिस्टेंस कुछ भी हो जो भी होगा आर ही होगा ना, अगर मिड पॉइंट पे है तो दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर ही आ जाएगा। नीचे वाला भी डिस्टेंस तो आर ही होगा फिर, दोनों क्यू के बीच का। वापस बोलो, नीचे वाला डिस्टेंस, नीचे वाला दोनों क्यू के बीच का। हाँ, दोनों क्यू के बीच का क्या? वो भी तो आर होगा। दोनों क्यू के बीच का आर होगा? नहीं, ये कौन बोला तुमको कि दोनों क्यू के बीच का आर होगा? हम बोले ना, ये दोनों क्यू के बीच का नहीं, ये हम हमेशा 2L मानते हैं, एल एल, इसको एल माने, इसको एल माने, तो टोटल 2L हो गया, तो आर कैसे होगा? यहाँ कुछ एंगल है ना, थीटा में कन्वर्ट होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, या दिक्कत है बेबी? बोलो। ठीक है, ठीक, चलो इसको हटा रहे हैं। और बगला देखिए, हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले तो सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा माइनस क्यू, ये रहा तुम्हारा प्लस क्यू, इसको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ये बीच का मिड पॉइंट, यहाँ से कोई पॉइंट है दूरी पे P, और ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये एंगल इज थीटा, डिस्टेंस इज आर, और आपको इस पॉइंट पे इस डाइपोल के वैसे, देखो कोई भी ऑब्लिक पॉइंट है और इस ऑब्लिक पॉइंट पे इस पॉइंट डाइपोल के वैसे पोटेंशियल चाहिए, तो V एट P जो होगा वो क्या होगा? A P cos theta by R square। क्या बोले थे आप? ऑब्लिक, अरे ये कोई ऑब्लिक पॉइंट है P, ऑब्लिक मतलब कहीं भी, आप फिक्स जगह पे नहीं रहे, कोई भी पॉइंट है, कहाँ है ये आपको नहीं पता, ठीक है, कहाँ है कि आपको नहीं पता, कोई भी ऑब्लिक पॉइंट। इसके आगे क्या? इसके आगे कुछ बोल रहे थे आप? कोई भी ऑब्लिक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे इस डाइपोल के वैसे जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला दिया हूं, VP is equal to KP cos theta by R square, ठीक है, हो गया ना?
चलो अगला, चार्ज कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप, चार्ज कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। ठीक है, ये देखो किसी भी शेप का ये एक चार्ज कंडक्टर है, प्लस 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 ऐसा, ये देखो चार्ज मैंने बिखेर दिया। अभी मुझे चाहिए क्या कि अगर ये कंडक्टर है, इफ इट इज अ कंडक्टर, देन एवरी पॉइंट ऑन दिस कंडक्टर हैज इक्वल पोटेंशियल। इसका सरफेस क्या होगा? सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट मी टेक टू पॉइंट ए एंड बी ऑन दिस। वी ए इज इक्वल टू वी बी, कैसे पता अपने को? कैसे पता? Surface is equipotential. Equipotential surface होने की वजह से। कैसे पता? Equipotential surface होने की वजह से। चलिए अभी जरा VA का बात कर लें। VA का फॉर्मूला क्या होगा भाई? AQ by VA पे देखो ये जो रेडियस होगा, क्योंकि ये इरेगुलर शेप का है तो अलग अलग जगह का अलग अलग रेडियस होगा। जहां शार्प टर्न होगा वहां पे रेडियस उतना ही कम। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई टर्न ऐसा, ये ऐसे मुड़ गया, अगर ऐसा होता यहाँ रेडियस और कम होता, समझ रहे हो? तो जहां पे जितना शार्प टर्न होगा रेडियस वहां उतना कम होगा। तो के क्यू बाई आर एट ए, यहां से अगर आप साफ साफ देखो तो पता चल रहा है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो यहाँ पे एरियल चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। और सिग्मा किसके बराबर होगा? क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर। आर जो भी इसका, अगर ये सर्कुलर शेप का हुआ तो अलग जगह का रेडियस है। तो यहाँ से साफ साफ दिखा, बोलो हर जगह रेडियस अलग होगा तो वी सेम कैसे हो सकता है? वी सेम कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे वी सेम ही होता है। क्यों डिफर कर जाएगा? क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा? समझे? क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा? यही तो अभी दिखा रहे हैं कि कैसे सेम रहेगा, वही दिखा रहे हैं। तो क्यू के बदले लिख दिया ये, क्योंकि क्यू सेम नहीं है ना, इसलिए क्यू को चेंज किया इसमें। इज डायरेक्टली टू आर आर। अभी देखो ये आर और ये आर कट गया स्क्वायर, तो बचा क्या? सिग्मा इनटू फोर पाई, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर। आर नीचे आएगा, दिखा? दिखा नहीं दिखा? आर स्क्वायर तो कट गया। आर स्क्वायर कहाँ कटा? यहाँ आर स्क्वायर कहाँ था? यहाँ आर था। आर से यहाँ का पावर कटा, स्क्वायर नहीं कटी। अभी ठीक है? ये सिग्मा डायरेक्ट मतलब यूनिवर्सिटी को प्रोपोर्शनल टू आर क्यों लिखा? सिग्मा क्योंकि आप आर, ये आर इस प्रोपोर्शनलिटी की इस तरफ आएगा तो नीचे नहीं आ जाएगा। इससे पता क्या चल रहा है? सिग्मा यूनिवर्सिटी को वन बाय आर, ये हम बता रहे हैं। ये अभी देखो ना क्या पता चल रहा है, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ या ना? मतलब ये, और तो और इस सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? स्पेशल लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे 1 बाय आर एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी डालें तो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी है, फिक्स तो है नहीं प्रोपोर्शनलिटी, तो ऐसा लिख सकते हैं। ये भी छोड़ो, सीधा लिख सकते हैं। यार रुको, इसको थोड़ा सिंपल कर दें, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे फालतू में। आई गेस आधा तो हो गए होगे। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 2 एंड 3 से बात करें तो साफ साफ दिख रहा है सिग्मा इज इनवर्सली टू 1 बाय आर
और इज डायरेक्टली टू सिग्मा, साफ साफ दिख रहा है इज डायरेक्टली टू सिग्मा, और सिग्मा के बदले लिख सकते हैं इज डायरेक्टली टू वन बाई आर, लिख सकते हैं। यही हमको दिखाना था कि जहां कहीं भी रेडियस कम होगा ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, जहां कहीं भी रेडियस कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो नहीं तो बस लिख लो फटाफट, जो दिख रहा है वो लिखो। दिक्कत है किसी को? बोलो नहीं अगर इसका डेंसिटी निकालना रहा तो आर कहाँ का लेंगे? जिस पॉइंट पे निकालना होगा जिस जगह का वहां का आर लेंगे। ठीक है आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है अभी? बहुत धीमा आ रहा है धीरे धीरे आ रहा था। अभी ठीक हुआ? हेलो हाँ ठीक है आवाज आ रहा है। बोलो हाँ आ रहा है आ रहा है क्लियर। और तुम्हारा भी आवाज अब आई था फिर कम हो गया। अभी ठीक हुआ? ठीक ही है कब से। अच्छा फैजान की तरफ से दिक्कत हो रहा। चलो कोई नहीं चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है हटाते हैं। चलो अभी आगे 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 देखते हैं। देखिए लिखो E near उसी में लिखना है। हाँ उसी में जो अभी समझाए उसका कंक्लूजन है। E near start point, E near start point मतलब more bending, R greater, E near start point या जहां पे ज्यादा bending होगा वहां ज्यादा होगा। ठीक है next देखिए। अच्छा कई बार बिजली चमकते हुए तुम लोग देखे हो? हाँ बहुत बार। हाँ तो जो बिजली जो चमकता है कैसे चमकता है सोचो तो एयर एयर जो है वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर होने के बावजूद वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखता है। इसका मतलब ये कि कई बार क्या होता है कि जो बहुत शार्प पॉइंट होता है जैसे मान लो देखो बादल का शार्प पॉइंट देख रहे हो इस शार्प पॉइंट देख रहे हो बादल का। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बादल का। तो ये जो भी शार्प पॉइंट है जो भी शार्प पॉइंट है उस शार्प पॉइंट पे देखो क्या है यहाँ पे रेडियस छोटा होगा मतलब यहाँ पे ई ज्यादा होगा और कई बार जब ई ज्यादा होता है ना तो इस पोटेंशियल को झेल नहीं पाता और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं लिख रहे हैं रुको ना मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट डाइलेक्ट्रिक बैकग्राउंड डाइलेक्ट्रिक बैकग्राउंड
डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड दिस फेनोमेना is known as ठीक है चलो अभी ये आज के लिए इतना ही. अगला सेशन अब बायोलॉजी का होगा ठीक है. अगले क्लास में हम लोग दो तीन क्वेश्चन देखने के बाद सीधा कैपेसिटर्स पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है. ठीक है ना आवाज आ रहा है ना. ठीक नाम कौन लिया नाम कौन दिया ये तो नहीं पता. खैर चलो टाइम हो गया अगला क्लास में जुड़ेंगे 5 मिनट 4 मिनट ठीक है. चलिए ठीक है.